हर मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह। आइए आज से हम इस बात का अहद करें, आज से हम इस बात के प्रतिबंध हों कि हम इंसानों के दरमियान मोहब्बत और प्यार के वो फल तकसीम करेंगे जिसके बाद कोई बिछड़ा हुआ गिरा हुआ शोषित बहुजन समाज का एक भी आदमी मुसलमान के रहते हुए अपने आप को अकेला और वंचित अजनबी नहीं समझेगा। और ये बात मैं बंद कमरे में नहीं कह रहा हूं, और ये बात कोई बनावटी नहीं, मैं अपने मजहब पर आस्था और विश्वास रखते हुए ये मैं धार्मिक बातें आपसे कर रहा हूं, धार्मिक बातें कर रहा हूं। हमारे नबी, आप सबके नबी हजरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे, देखा कि एक पत्थर रखा है, आपने अपने हाथों से उस पत्थर को उठाया और किनारे कर दिया और अपने लोगों से कहा रास्तों से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया करो, दान करने का पुण्य करने का नेकी मिलेगी। उसके बाद अरब के मुसलमान ऐसे चले कि जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज नहीं हुआ करती थी। अगर हम रास्तों से पत्थर हटा सकते हैं तो हथियारों के हाथों से तलवारें भी छीन सकते हैं। आप भी मजलूम हैं, यानी आप पर भी अत्याचार हो रहा है और आप जानते हैं कि हम पे भी अत्याचार हो रहा है। आजकल हमारी मुस्लिम बहनों के एक नए भाई पैदा हो गए, नए भाई पैदा हो गए। वो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, और कौन से तलाक का साहब, भारत में तलाक बहुत हो रहे हैं। ऐसा लगता है ये मीडिया वाले भी बेचारे पता नहीं कौन सी गेहूं चक्की का आटा खाकर पैदा हुए हैं। एक शेर ने एक लड़की पे अटैक किया, एक मुसलमान ने उस लड़की को बचाया और शेर को मार दिया। मीडिया ने रिले किया कि एक इंसान ने एक लड़की को बचाने के लिए शेर से टकरा गया। जब उसको मालूम हुआ कि यह मुसलमान था तो उसने कहा कि एक मुसलमान ने एक लड़की से प्यार करते हुए शेर की हत्या कर दी। आप देखिए कैसे स्क्रिप्ट चेंज किए जाते हैं। तब क्या कह रहे हैं, एक मुसलमान ने एक निर्दोष शेर को मार दिया। कौन सा शेर? जो लड़की को प्यार कर रहा था। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदला है न बदलेगा।